दोस्तों, ये मेरा ये मैसेज आपको हर वीडियो में मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आगे किसी के साथ भी कोई फ्रॉड या स्कैम हो। और मेरा ये छोटा सा एसएमएस आपको हर वीडियो में लगा मिलेगा। और एसएमएस ये है कि मेरी तरफ से कभी भी किसी को कोई पर्सनली मैसेज नहीं चाहता, ना ही कोई जीमेल आईडी का पासवर्ड पता करने के लिए, जीमेल आईडी के लिए, या किसी ओटीपी के लिए, या कोई भी फंड ट्रांसफर करने के लिए। अगर कोई भी किसी आपको किसी भी यानी कि राशिद नाम से कोई मैसेज आई, या राशिद अहमद नाम से कोई प्रोफाइल बना के मैसेज करता है जिसमें वो जीमेल आईडी पता करने की कोशिश करे, या ओटीपी पता करने की कोशिश करता है, या आपसे कोई फंड की डिमांड करता है, तो समझ लीजिए कि वो कोई स्कैमर है, हैकर है, या कोई फ्रॉड करना चाहता है। तो आप किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल्स या अपना फंड ट्रांसफर ना करें, अदरवाइज यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। ये मैसेज मेरा आपको हर वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आप ताकि अवेयर रह सके, क्योंकि कोई भी नया सब्सक्राइबर आ रहा है उसको ये मैसेज मेरा रेगुलर मिल पाए। किसी को भी अपना फंड ट्रांसफर ना करे, चाहे वो राशिद अहमद बनके ही आपसे क्यों ना बात करे, किसी को अपनी कोई पर्सनल डिटेल शेयर ना करे। ये मैसेज आपको रेगुलर मेरी हर वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MLM राशिद में, और मैं दिल से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त है, ज़बरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ENG क्वाइन के बारे में। और जैसे बिटकॉइन की ऑलरेडी मैंने वीडियो दी है, तो डाउन देखने के लिए थोड़ा मिल सकता भी, और ये तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ENG क्वाइन का जो प्राइस है अभी कितना चल रहा है, और कहाँ तक इसमें एंट्री ले सकते हैं, और ENG क्वाइन का जो क्यों इस स्तर में क्या होने वाला है फ्यूचर इसका। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 145 के समथिंग चल रहा है, 171 इसका हाई प्राइस था, और 24 आवर्स की मैं बात करूँ तो लोग 12% अभी माइनस में गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइस अभी इसका बहुत डाउन है। पहले हम चलते हैं क्वाइन मोमो की तरफ, उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू की तरफ, इसका प्रेडिक्शन करेंगे और इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है वो भी बात करेंगे, कितने प्राइस में इसकी एंट्री ले लेनी चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, अभी इसका प्राइस क्यों बढ़ेगा उसके ऊपर तो हम बात करेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, चलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, मतलब ये बोल नहीं रहा हूँ मैं आप इतने में बाई करें, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, आपने 10,000 रुपये का अगर करंट प्राइस में भी बाई कर लिया, यानी कि 145 में, और अगर सेल इसको हम 200 में करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 3,780 रुपये का प्रॉफिट है, यानी कि 3,780 रुपये का प्रॉफिट है। अभी 200 रुपीज़ क्यों जाएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में, कि 200 रुपीज़ क्यों जाएगा और कब तक जा सकता है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर एंट्री ले लेते हम अच्छे टाइम पर, तो दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वाइन मोमो की तरफ। मैंने ऑलरेडी इसको ओपन करके रखा हुआ है ताकि टाइम भी कम लगे और आसानी हो समझाने में आपको। तो मैं ENG को सर्च कर लेता हूँ, और ENG को मैं सर्च करता हूँ तो देखिए सबसे ऊपर आ चुका है, और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ENG क्वाइन है ये 73 नंबर पर रैंक कर रहा है अभी, और यहाँ पर आप देखेंगे 14.8% अभी माइनस में है। एथेरियम पेयर में आप देखेंगे तो 3.9% की ग्रोथ लेके चल रहा है, BTC पेयर में देखेंगे तो 2.8% के लो में चल रहा है। उसका रीज़न क्या है कि BTC जो है ऑलरेडी अभी डाउन चल रहा है। तो इसको मैं INR में करके देख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, तो मैं INR पर क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे INR में मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग को और समझ सके। तो यहाँ पे देखिए 126 प्राइस दिखा रहा है, पता नहीं किस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए पहले मैं आपको इसके ले चलता हूँ ट्विटर के ऊपर, ट्विटर के ऊपर चलते थोड़ी सी चीज़ों को देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ENG जंप नेट हैज़ गिवन द इंजन इको सिस्टम है शॉर्ट टू द आर्म। ठीक है, तो नीचे चलते हैं द किंगडम अरेंज एसेट चेंज ओवर, यहाँ पर एक मिनट में कुछ दिखाना चाह रहा था आपको, उसके बाद हम चले गए इनकी। वी आर प्राउड टू अनाउंस, ये देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ पढ़िएगा दोस्तों, 4 दिन पहले इन्होंने एक ट्वीट डाली थी, वी आर प्राउड टू अनाउंस आवर पार्टनरशिप विद अवेक्स टेक्नोलॉजी ए ग्रुप कंपनी ऑफ वन ऑफ जापान लार्जेस्ट मोस्ट कंपनीज। यानी कि दोस्तों जापान की एक कंपनी है जो कि अवेक्स टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर इन्होंने उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप यहाँ पर की हुई है दोस्तों, मतलब 4 दिन पहले इन्होंने पार्टनरशिप के लिए अनाउंसमेंट की है। उसके बाद हम चलते हैं ट्विटर के ऊपर, यहाँ पर सॉरी इनके जो साइट है उसके ऊपर चलते हैं, वेबसाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ दिखाने की आपको कोशिश करते हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन NFTs फॉर एवरीवन, यानी कि नॉन फंगेबल टोकन्स है ये, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी इसकी वीडियो दिया था। गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं गेट स्टार्टेड विद ENGIN, तो यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ दिखाई, गेट स्टार्टेड फ्री वॉलेट्स, ठीक है, यहाँ पर मार्केट प्लेस, एक्सप्लोर नाउ, बीम, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ। नीचे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे एज ऑफ फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर देखिए Azure Heroes, यानी कि इनका जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर ये गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है पावर बाय ENGIN, यानी कि ये जो गेम है, ये जो जितने भी गेम चल रहे हैं पावर बाय ENGIN है, ये मतलब इन्होंने पावर की हुई है ENGIN ने इनको, ठीक है, तो इनके गेम भी ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पर अब मैं ले चलता हूँ नीचे आपको, और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं इसकी जो मार्केट कैप वगैरह। देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस देख सकते हैं, मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2448 हावर्स का, इसका लो प्राइस 73, रैंकिंग देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1 मिनट पहले न्यूट्रल जो टेक्निकल एनालाइज टीम होती है उन्होंने 1 मिनट पहले वाली तो न्यूट्रल किया हुआ है, उन्होंने बोले ना तो बाय करो ना सेल करो, इसको होल्ड रखो। 5 मिनट पहले की बात करूँ तो न्यूट्रल सेल का ऑप्शन दिया हुआ था, 15 मिनट पहले की बात करूँ तो सेल का ऑप्शन था, 1 आवर की पहले की बात करूँ तो सेल का ऑप्शन था, 4 आवर पहले की बात करूँ तो सेल का था, 1 डे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 वीक की बात करता हूँ तो बाय का ऑप्शन था, देख सकते हैं आप, क्योंकि प्राइस उस टाइम अच्छा चल रहा था और अभी जब लो गया तो उन्होंने सेल का ऑप्शन दे दिया था, भाई सेल कर दो, लेकिन अभी मेरे ख्याल से बाय करने का ऑप्शन अच्छा है। बाकी आप अपने समझदारी से कर सकते हैं, रिस्क आपका लो, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ उसका प्राइस क्यों बढ़ सकता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आज है दोस्तों 17 तारीख और 19 तारीख को एक इनका इवेंट है जो कि पोलका डॉट डेकोडेट नाम से इनका एक इवेंट आ रहा है 19 तारीख को इंजन का, जो तो उसमें मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कि प्राइस में लगभग 10 से 15 रुपये उछाल देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इंजन क्वाइन जब भी उछाल देता है कि 10 से 15 रुपये से कम की तो उछाल देता ही नहीं है। पिछली बार भी मैंने अपने जो VIP ग्रुप थे वहाँ पे 192 में बाई कराया था और 207 रुपये ने हाईएस्ट प्राइस टच किया था, तो कुछ लोगों ने 199 में सेल कर दिया था, कुछ लोगों ने 200 में सेल कर दिया था। तो इसमें जब भी उछाल देखने के लिए मिलता है हमें 10 से 15 रुपए तक उछाल देखने के लिए मिलता है। तो पहला इवेंट है इसका 19 तारीख को, सेकंड इवेंट है दोस्तों इसका 31 मई को, यानी कि इंजन वैलेट लिंकिंग नाम से इनका एक इवेंट होने वाला है 31 मई को। तो लगातार इनके 2 इवेंट है, उसके बाद देखिए 31 मई को फिर से ये इन्होंने यही बोला हुआ है, उसके बाद 31 दिसंबर का, चलिए वो तो लेट है, यानी कि इस महीने इनके 2 इवेंट है, एक 19 तारीख को एक 31 तारीख को। तो अभी मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मौका मिला हुआ है कि 140 और 145 में एंट्री लेने का, इसका भी मैं आपको बता दूंगा एंट्री कहाँ भी ट्रेडिंग व्यू में देख लेंगे वो कितने पर एंट्री ले सकते हैं आप। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों 19 तारीख को और 31 तारीख को अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, और मुझे उम्मीद है कि 190 रुपये से लेकर 200 रुपये भी जा सकता है, और अगर इतना जाता है तो आप लगा सकते हैं कि पर क्वाइन आपको लगभग 50 रुपये का प्रॉफिट दे जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है, बहुत बढ़िया रिटर्न हमें यहाँ पर दे सकता है, बाकी आप अपने तरीके से इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी जानकारी जो इसके अपने इवेंट से, उसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और वहाँ पर चल के देखते हैं सारी चीज़ों को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना ट्रेडिंग व्यू जो एप्लीकेशन है उसको ऑन कर लिया है, और यहाँ पर जो है मैंने जो इंडिकेटर्स लगाने तो वो लगा दिए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से इसका प्राइस लो चल रहा था तो यहाँ पर देखिए इसका सपोर्ट लेवल मिला हुआ था, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट इसने लिया, जो कि प्राइस अभी है इसका $1.78 और इसका सपोर्ट मिल रहा था 1.70, यानी कि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कर लिया ट्रेडिंग व्यू को ओपन, और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा प्रेडिक्शन करके इसका प्राइस कहाँ तक देखने के लिए मिल सकता है, और एंट्री लेने का मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसको यहाँ पर एक आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर इसको मिला हुआ रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इसका जो अभी प्राइस था वो इसमें ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पर इसका एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था, अगर इसको ब्रेकआउट करता तो प्राइस हमें देखने के लिए मिल जाता $1.70, लेकिन अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 1.79 के समथिंग चल रहा है, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट इसने नहीं लिया है और यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अगर ये इस वाले सपोर्ट लेवल पर जाता है, यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बना हुआ है इसका, तो यहाँ पर इस पर जाता तो हमें इसका प्राइस देखने को मिलेगा $1.94 के समथिंग, ठीक है। तो अगर डाउन का ही बता देता हूँ कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है किसी वजह से, वैसे तो ब्रेकआउट करने की उम्मीद कम ही लग रही है, लेकिन अगर ब्रेकआउट मारता है ये तो प्राइस हमें $170, या अगर इस सपोर्ट लेवल को भी क्रॉस करके ब्रेकआउट नीचे लेता है यहाँ पर ट्रेड करता है तो हमें प्राइस मिलेगा $1.60 के समथिंग 60 और $1.50 के समथिंग, लेकिन लो के कम चांसेस है, ऊपर के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसका इवेंट आ रहा है तो ऊपर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला हुआ है इसको $1.94 के, अगर इसको ये क्रॉस करके दोस्तों इस वाली ट्रेड लाइन पे यहाँ पर अगर आता है यहाँ पे ट्रेड करता तो इसका प्राइस हमें देखने के लिए मिल सकता $2.16 के समथिंग, यानी कि $2.16 यानी कि $2 के समथिंग, तो $2 के समथिंग ऑलरेडी अभी अगर मैं बात करूँ तो इसका प्राइस जो है अभी चल रहा है 145 के समथिंग, तो लगभग हमें देखने के लिए मिल जाएगा $2.16 के समथिंग। और अगर इस सपोर्ट लेवल को इवेंट्स के टाइम ये सपोर्ट क्रॉस कर पाया, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट मार रहा था इसने और यहाँ पर इसको सपोर्ट लेवल को अगर क्रॉस करता है तो प्राइस मिलेगा $2.29 के समथिंग। और यहाँ पर फिर से अगर इसको मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए इसको पीछे ले चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी इस तरीके से ये जो यहाँ पर ट्रेड हो रही है इस बॉक्स में, जिस तरह जब ये ट्रेड होती है इस तरीके से, तो यहाँ पर दो चांसेस होते हैं, या तो मार्केट डाउन जाके गिरती है या बहुत ज़्यादा अप जाके मिलती है। तो यहाँ पर चांसेस है कि अगर यहाँ पर
या इसको इस सपोर्ट लेवल को क्रॉस कर पाया और सपोर्ट लेवल को क्रॉस कर पाया तो हमें प्राइस दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ तक देखने का मतलब है $2.61, यानी कि $2.50 तक इसका प्राइस हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो $2.50 का मतलब कितना हो गया, लगभग आई थिंक 180 या 190 रुपये या 200 रुपये के समथिंग जाके इसका प्राइस देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि 19 तारीख से लेकर 31 तक हमें इसका प्राइस 200 रुपये देखने के लिए फिर से मिल सकता है। और बहुत अच्छा मूवमेंट, यानी कि बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर ये दे जा सकता है। तो बहुत अच्छा मौका है इसमें एंट्री लेने का दोस्तों। बाकी अपने रिस्क पर करें, लॉस आपका, प्रॉफिट आपका। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।